गुड आफ्टरनून गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया, मस्त चकाचक नहा धो के आपके सामने। और आज की क्लास में हम बात करेंगे शेड्यूल थ्री की। कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में शेड्यूल थ्री खत्म कर दूं, ताकि अगले लेक्चर से हम एक बढ़िया सा मस्त सा नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं शेड्यूल थ्री की। शेड्यूल थ्री में हम कहां थे? शेड्यूल थ्री में हम थे लास्ट क्लास में करंट असेट की डेफिनेशन, फिर ऑपरेटिंग साइकिल, फिर करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन। एक बार मेरे साथ साथ जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा करंट असेट करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन को एक बार रिपीट करना पड़ेगा अपने को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट असेट का डेफिनेशन। सबसे पहले, एनी असेट विल बी ट्रीटेड एज करंट असेट इफ एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, अपने घर पे बैठे हो इतना चिल्ला के बोलो कि ताकि घर वालों को पता चले कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज, इंटेंड्स टू सेल, इंटेंड्स टू कंज्यूम इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। एक्सपेक्ट टू रियलाइज मतलब रिसीवेबल्स, इंटेंड्स टू सेल फिनिश गुड्स, इंटेंड्स टू कंज्यूम रॉ मटेरियल। दूसरा, इट प्राइमरली होल्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही है। तीसरा, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। 12 मंथ्स के एंड में हमें रियलाइज हो जाएगा। यहां पर भी रिसीवेबल्स आ सकते हैं या फिर लोन्स वगैरह एडवांसेस वगैरह आ सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज व्हेन इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमेशा करंट एसेट होगा अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड। काहे को रिस्ट्रिक्ट किया है? फॉर बींग एक्सचेंज्ड, अगर असेट खरीदनी है तो उसके लिए तुम एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, और यूज्ड टू सेटल एनी लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, दूसरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या था? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब अ टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ असेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अगर डिटरमिनेबल ना हो तो आप उसको 12 मंथ्स मानोगे, बट 12 मंथ्स से ज्यादा भी हो सकता है, 12 मंथ्स से कम भी हो सकता है। करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी बोलते जाइए। करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन, एन एंटिटी विल ट्रीट इट्स एनी लायबिलिटी एज करंट इफ इट expects to settle or it is expect to settle the liability within normal operating cycle. दूसरा, it holds primarily for the purpose of trading. मतलब यहां पर भी वही derivative और investments, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर loss में चल रहा है, हम loss में हैं तो हमें pay करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर minus हो सकता है। Third, it expects to settle, it is due to be settled within 12 months from the end of reporting period. और last बहुत important था, it does not have entity के पास क्या नहीं होना चाहिए? Unconditional right, हमारे पास कोई right नहीं होना चाहिए क्या करने का? To defer the settlement, किस चीज का? To defer the settlement of any liability for at least a period of 12 months after the reporting period. अगर मेरे पास unconditional right है, बिना किसी condition के मेरे पास right है कि मैं defer कर सकता हूँ 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए, इसका मतलब वो मेरा लॉन्ग टर्म है, वो मेरा नॉन करंट है। पर मुझे डिफर करने का राइट नहीं है, मुझे तो पे करना ही पड़ेगा, वो मेरा शॉर्ट टर्म है। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, ये वाला करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन का। ठीक है, ये हमने पढ़ा था करंट असेट करंट लायबिलिटी, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इसके अलावा रिजर्व्स के बारे में आप सब जानते हैं, रिजर्व्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जरूर याद रखना कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमेशा जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस आएगा, मतलब माइनस नेगेटिव, अगर आपके पास लॉसेस हैं तो आप उनको भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाओगे नेगेटिव फिगर करके, आप उनको भी रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे नेगेटिव फिगर करके। ठीक है ना, यहां तक बात ठीक है। मैंने करंट लायबिलिटीज वगैरह के बारे में, नॉन करंट लायबिलिटीज, असेट्स, नॉन करंट असेट्स के बारे में सब बता दिया था। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी? हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हो सकता है बहुत सारे अलग अलग रेवेन्यूज हो। मैंने आपको रिलायंस का बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट भी दिखाया था, रिलायंस का पूरा एनुअल रिपोर्ट आपको दिखाया था। आई होप आपने रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट से समझा होगा कि आपको क्या क्या चीजें किस किस तरीके से दिखानी पड़ती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर हम वी स्मार्ट की बात करें, अगर एज अ प्रैक्टिकल बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैसे दिख सकता होगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखता होगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ लेक्चर्स ऑनलाइन मोड, दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ बुक्स, इंडिविजुअल बुक्स हम अगर बेचते हैं तो, तीसरा रेवेन्यू फ्रॉम आर वर्चुअल सेंटर्स, जो भी हमारे वी स्मार्ट के 110 वर्चुअल सेंटर्स हैं, उनसे भी ज्यादा, तो वहां पर वर्चुअल सेंटर से जो हमें रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू फ्रॉम फेस टू फेस क्लासेस, हालांकि अभी फेस टू फेस क्लासेस तो नहीं हो रही है, बट बाद में जब भी होंगी तो रेवेन्यू फ्रॉम फेस टू फेस क्लास। तो ये अलग अलग टाइप का रेवेन्यू हो सकता है।
एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कार सेलिंग कंपनी है, कार सेलिंग कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता होगा? बेसिकली उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो तीन अलग अलग हेड आते होंगे। सबसे पहला सेल ऑफ कार, एक अलग हेड आता होगा। दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसिंग, कार सेलिंग कंपनी है तो वो सर्विस भी तो करती होगी कार की, तो उसे सर्विसिंग, कार की जो सर्विस एंड मेंटेनेंस होती है, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, उनसे उसको पैसा आता होगा। तीसरा सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, कार के जो भी छोटे मोटे इक्विपमेंट्स अगर आप बेच रहे हो, जो भी पार्ट्स बेच रहे हो, उससे आता होगा। तो हो सकता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तीन अलग अलग में हेड में दिखता होगा। अगर आपके उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई जीएसटी शामिल है, एक्साइज ड्यूटी शामिल है, तो आपको उसको डिडक्ट करके लेस करके अलग से दिखाना है। एक्सपेंस में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी, एक्सपेंस, एक्सपेंस सबसे पहले हमने एक्सपेंस में क्या पढ़ा था, एक्सपेंस में हमने ये पढ़ा था, एक्सपेंस में हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेड पढ़े थे। एक्सपेंस में हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट हेड थे और मैंने आपको बोला था कि भाई ये एक्सपेंस के सारे याद होने चाहिए। द पहला हेड वॉज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमेशा रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है और इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज नहीं, इसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग भी रहेगा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको ये। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो सेकंड वाला पॉइंट है स्टॉक इन ट्रेड, वो रॉ मटेरियल का नहीं है, वो फिनिश गुड्स का है, या फिर अगर हमने स्टॉक इन ट्रेड खरीद के बेचना है, मतलब रॉ मटेरियल कोई हमारा काम नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, तो ऐसे केस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा। फिर तीसरा था चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर आएगा, रिमेनिंग डिफरेंस आएगा। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब यहां पर स्टॉक इन ट्रेड या फिर WIP या फिर फिनिश गुड्स का आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है। फिर ये वाली तीन पॉइंट्स हो गई, पहला था आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री। चौथा क्या था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दुनिया भर के सारे एक्सपेंसेस आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड सब जाएंगे, इवन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन भी वहीं जाएगा। फिर था फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब यहां पर आप बोल सकते हो इसको इंटरेस्ट कॉस्ट, इसको बोल सकते हो इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, इसको बोल सकते हो इंटरेस्ट कॉस्ट। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके ऊपर आप लिखिए AS 10 एंड AS 26। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, AS 10 है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, मतलब फिक्स्ड असेट्स, और AS 26 है इंटेंजिबल असेट्स जिसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज होता है। अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं जहां इंटेंजिबल असेट्स का डेप्रिसिएशन लगाना होता है तब। फिर हो गया अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में आपने आप दिखा दोगे नोट्स में कि कौन कौन से आपके पास एक्सपेंसेस हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए हमने यहां तक पॉइंट्स पढ़ लिए थे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस हो गया रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस हुआ, आपका क्या आया रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस हुआ, ये आया प्रॉफिट लॉस बिफोर, ध्यान से देखो बिफोर, बिफोर बिफोर क्या, बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, एंड टैक्स मतलब ये जो प्रॉफिट आपको मिला है अभी इसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को भी प्लस माइनस करना पड़ेगा, इसमें अब आपको एक्सेप्शनल आइटम्स को भी प्लस माइनस करना पड़ेगा और इसमें से अभी आपको टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा। सर टैक्स तो बाद में पड़ेंगे, हम बात करते हैं पहले कि सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरे साथ आप कॉपी में लिखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और यहां लिखेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मतलब कोई भी इनकम या एक्सपेंस, कोई भी इनकम या एक्सपेंस जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का हो, नॉन रिकरिंग नेचर, जो क्या हो, नॉन रिकरिंग नेचर का इनकम और एक्सपेंस हो एंड क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, मतलब वो दूर दूर तक आपके ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं है आपके ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से। ऐसा कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो आपकी बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताइए इसमें नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, मुझे एक थोड़ी सी कैमरा सेटिंग करनी चाहिए, मुझे लगता है करनी पड़ेगी। तब तक आप मुझे बताइए कि सर
नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तब तक आप मुझे बताइए नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है। सर आई एम बेटा सीए फाइनल स्टूडेंट, प्लीज अभी पढ़ा रहा हूं ना बीच में यार, प्लीज फाइनल वाले स्टूडेंट हो व्हाट्सएप पे आ जाना प्लीज, अभी प्लीज यहां पर डिस्टर्ब मत करिए। क्या आपको अच्छा लगता है कोई फेस टू फेस क्लास चल रही है आप बीच में आके फाइनल की बातें करो, डिस्टर्ब करने लगो? विच डजेंट अकर रेगुलरली, जो रिपीटेटिव नहीं है। वेरी गुड, जो रिपीटेटिव नहीं है, जो बार बार रेगुलरली अकर नहीं होते। और दूसरा क्लियरली डिस्टिंक्ट को क्या बोलोगे? क्लियरली डिस्टिंक्ट मतलब जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है के बिल्कुल एक जैसा नहीं हो, बिल्कुल ही अलग, टोटली सेपरेट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आइटम और दोज एक्सपेंसेस आर दोज इनकम्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस, लाइक सेल्स, परचेजेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर ऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम्स। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मतलब लॉस बाय थेफ्ट, इंश्योरेंस क्लेम। Understood or not? These all are extraordinary items. These all are extraordinary items. तो इन extraordinary items को मुझे, आप जानते हो पता है क्या बोला गया है? इन extraordinary items को मुझे ऊपर कहीं नहीं दिखाने का है। नहीं, चलेगा ही नहीं। extraordinary item को मुझे यहां दिखाना है। देखिए आप देखिए extraordinary item का आपको head दिखेगा। यहां पर आप extraordinary item दिखोगे प्लस या माइनस, अगर इनकम होगा तो ऐड होगा, एक्सपेंस होगा तो माइनस होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को मुझे यहां दिखाना है। एक और आइटम होता है विच इज कॉल्ड एक्सेप्शनल आइटम, वो भी इनकम और एक्सपेंस नेचर का हो सकता है, पर ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? एक्सेप्शनल आइटम लिखिए, एक्सेप्शनल आइटम मतलब इनकम्स और एक्सपेंसेस, इनकम्स और एक्सपेंसेस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा बच्चे जवाब देंगे तो और अच्छा मजा आएगा। इनकम्स और एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्डिनरी, सर ऑर्डिनरी एक्टिविटी। हां यहां पर जो एक्सेप्शनल आइटम का मतलब है उसका मतलब है कि किसी भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी इनकम और एक्सपेंस, बट अकॉर्डिंग टू द नेचर और साइज इसको मुझे अलग से शो करना जरूरी है। बट कंसीडरिंग नेचर और साइज इट्स सेपरेट डिस्क्लोजर इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी। बिजनेस परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने के लिए मुझे उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी है। एक्सेप्शनल आइटम कोई अलग नहीं होता, वो आपके ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ही कोई ना कोई आइटम है, बट उसका नेचर ऐसा है कि मुझे उसको अलग से दिखाना जरूरी है, या उसका साइज ऐसा है कि मुझे उसको अलग से दिखाना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देख रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्या करना है। शगुन रियली वेरी सॉरी, मुझे मैंने आपका पूरा मैसेज पढ़ा ही नहीं और मैंने आपको थोड़ा सा डांट दिया, पर एक्चुअली क्या है कि अभी मैं जब क्लास लेता हूं ना तो मुझे उस टाइम पे अगर कोई दिखता है कि कोई फाइनल या ऐसा कुछ फाउंडेशन, तो मुझे लगता है कोई डाउट पूछ रहा है। रियली सॉरी शगुन, मेरा कैसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था डांटने का, सॉरी, मुझे लगा डाउट पूछ रहा हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लो, थैंक यू सो मच। वापस आते हैं, कंसिडरिंग नेचर एंड साइज इट्स सेपरेट डिस्क्लोजर इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि हमारे बिजनेस में हर साल बैड डेट्स होते हैं। अब बैड डेट्स कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं हो सकता, बैड डेट्स आपके बिजनेस का एक मेन आइटम है, बिजनेस का एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम है। क्यों? बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो नुकसान ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं, ठीक है ना। धंधा कर रहे हो तो बैड डेट होना लाजमी है, ठीक है ना।
कंसिडरिंग योर नेचर ऑफ बिजनेस, कंसिडरिंग योर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तुम्हारे बिजनेस में 5% के आसपास बैड डेट्स होना जरूरी है, मतलब होना होना नॉर्मल है। जितना भी तुम्हारे बिजनेस का टर्नओवर होगा उसका 5% के आसपास का एक रहता है, कभी 4, कभी 6, कभी 5। करंट ईयर में हमारे बैड डेट्स हो गए 15% बिकॉज ऑफ COVID-19। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन करंट ईयर में हमारे कस्टमर्स ने हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ने हमें पेमेंट नहीं किया, हमारे बैड डेट्स 15% हो गए। ओ माय गॉड, रीजन इज सिंपल, बिकॉज ऑफ COVID-19, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बाकी लोगों को भी, लोगों के भी बिजनेस नहीं चले, सब लोग घर पे बैठ गए, तो हमारा पैसा डूब गया। आमतौर पर जो हमारा पैसा डूबता है वो 5% डूबता है और हम वो मान के चलते हैं, नॉर्मल होता है। पर ये एबनॉर्मल नेचर का है, ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल नेचर का है, एक्सेप्शनली ये इसको ऐसा है, मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसको नॉर्मली, इसको अलग से ना दिखाऊं तो कहीं ना कहीं देखो, करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट भी गिरा है, मेरी बात को समझिएगा, करंट ईयर में मेरा नेट प्रॉफिट गिरा है क्योंकि मेरे बिजनेस पर अफेक्ट पड़ा। अब वो नेट प्रॉफिट गिरने का रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मेरी सेल गिरी है, COVID-19 हुआ है, एक और रीजन है जो कि है बैड डेट। नॉर्मली मेरे बैड डेट होते हैं 5%, अब हो गए 15%। टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ माई बिजनेस आई हैव टू शो इट सेपरेटली। गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? मुझे अब मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि मैं बता सकूं कि मेरे को क्यों इतना कम प्रॉफिट हुआ, मैं दिखाऊंगा कि भाई मेरे एक्सेप्शनल आइटम में एक बैड डेट दिख रहा है, देखिए जाके ध्यान से। अब बात को समझने की कोशिश करिए, ये जो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में पीएनएल है, ये जो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बैलेंस शीट है, इसका फॉर्मेट इतना जबरदस्त बनाया गया है ताकि वो खुद स्टेटमेंट आपका जो बैलेंस शीट है पीएनएल, वो खुद बात कर सके आपके यूजर के साथ। मतलब आपको अलग से कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ बातें बता सके, इसीलिए इन तरीके से आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। आया समझ में कि नहीं? गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होता है। तो एक्सेप्शनल आइटम्स में आप एग्जाम्पल लिख लो, एक्सिस बैड डेट्स। अकर्ड इन करंट ईयर कंपेयर टू एक्सेस ना को के ह्यूज बैड डेट्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्या ये लिखा आपने एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी? क्या ये लिखा बेटा आपने? जल्दी बोलिए। उसके बाद देखो, यहां था बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड टैक्स। तो एक्सेप्शनल लिख लिया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिख लिया, अब बारी है टैक्स की। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट आ गया यहां पर आपका, टैक्स से पहले का प्रॉफिट आ गया। अब क्या है, ये है आपका टैक्स। यहां AS 22 नहीं है, AS 12 नहीं है, AS 22 है। आपको यहां पर AS 22 मार्क करना पड़ेगा। सर ये AS 22 क्या है? बेसिकली ये AS 22 आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है। सर इनकम टैक्स से रिलेटेड है? सर इनकम टैक्स तो विजय सर पढ़ाते हैं सर, और विजय सर ने तो बताया था कि इनकम टैक्स के लिए तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगता है। तो सर आप बोल रहे हो AS 22 पढ़ना है? विजय सर आपको इनकम टैक्स कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कोई डाउट नहीं है उसमें, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बट विजय सर आपको उस इनकम टैक्स की अकाउंटिंग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो अकाउंटिंग कवर होती है AS 22 में, और AS 22 गवर्न करता है इनकम टैक्स को कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है बॉस, जिसमें आता है दो चीजें, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डेफर्ड टैक्स का मतलब समझाया था। डेफर्ड टैक्स फ्यूचर का टैक्स होता है, आज मैंने कम पे किया, मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ज्यादा, डेफर हो गया, वो आगे बढ़ गया, आज मुझे ज्यादा पे करना पड़ा, फ्यूचर में उसका फायदा मिलेगा, DTA डेफर्ड टैक्स असेट। आया समझ में कि नहीं?
तो इनकम टैक्स की जो अकाउंटिंग होती है उसकी उसको उसको कवर किया जाता है AS 22 में, और उसकी अकाउंटिंग की कैसे क्या करते हैं अकाउंटिंग उसको यहां पर उसको बताने के लिए यहां पर आया है टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, तो इनकम टैक्स की अकाउंटिंग पे AS 22 कवर होता है। प्रॉफिट में से ये टैक्स माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, काय को माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, ये सब AS 22 में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्या आया सर, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है ना, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और फिर प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सर, ये कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड क्या है, अगर करंट ईयर में आपने अपने किसी बिजनेस सेगमेंट को, पूरे बिजनेस को नहीं, किसी एक सेगमेंट को अगर आपने बंद कर दिया, बंद कर दिया, हमेशा के लिए बंद कर दिया, हो सकता है बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में ऐसे कुछ 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 पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं जो नहीं चल रहे हैं, तो हमने उनको बंद कर दिया मान लीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया है करंट ईयर में किया है, तो उस करंट ईयर के में डिसकंटिन्यूड बिजनेस का प्रॉफिट अलग से दिखाइए, उसके ऊपर कितना टैक्स बना वो अलग से दिखाइए, इसीलिए वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हम अलग से दिखा रहे हैं, उसका टैक्स का इंपैक्ट अलग से दिखाइए वगैरह वगैरह। एंड फाइनली टोटल प्रॉफिट कितना दिखेगा वो बताइए कंटिन्यूड प्लस डिसकंटिन्यूड से, मतलब यहां आएगा कंटिन्यूड प्लस डिसकंटिन्यूड, और लास्ट में आएगा अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर AS 20 के अकॉर्डिंग। ईपीएस कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि कंपनी को अर्निंग पर शेयर फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे दिखाना पड़ेगा। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट पेज पे आपको शेड्यूल 3 पढ़ाया था तो उसमें एक पॉइंट लिखा था, पता है क्या, ये रहा, ये देखो फेस वाला पॉइंट था कि जब तक आपको कोई स्टैंडर्ड ना बोले या जब तक ये शेड्यूल 3 ना कहे, आप जितने भी नोट्स दोगे वो सब अलग से दोगे, बैलेंस शीट पीएनएल के फेस पे नहीं दोगे। AS 20 कहता है और शेड्यूल 3 कहता है कि आपको ईपीएस जो दिखाना है वो पीएनएल के फेस पे दिखाना है, उन्होंने बोल दिया कि आपको फेस पे दिखाना है। ठीक है, तो फेस पे तभी दिखाओगे जब शेड्यूल 3 में लिखा हो या पीएनएल में या फिर आपके AS में बोला जाए, तो हम देखो ये फेस ऑफ पीएनएल पे दिखा रहे हैं, फेस ऑफ पीएनएल पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है गाइस, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, आपत्ति विपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मतलब अपन ने क्या 6th 7th क्लासेस में अपन ने ये पढ़ा है, आई थिंक हमने ये नहीं पढ़ा है। इसमें हमने बोला, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जो भी आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाओगे उसमें सेल ऑफ प्रोडक्ट विल बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड, सेल ऑफ सर्विसेज मैंने अभी आपको बताया कि सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको कार कंपनी का एग्जाम्पल दिया। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, अगर आपको कोई और बिजनेस से रेवेन्यू आता है तो वो आप अलग से दिखाओगे। लेस एक्साइज ड्यूटी या फिर GST, अगर आपने GST या एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट किया है तो कलेक्टेड, कलेक्टेड। ठीक है, तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनीज, सर ये फाइनेंस कंपनीज मतलब, फाइनेंस कंपनी मतलब बैंक्स, फाइनेंस कंपनी मतलब, फाइनेंस कंपनीज मतलब बैंक्स या NBFCs, NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंकिंग बिजनेस कर सकती हैं RBI के अप्रूवल से, पर वो बैंक नहीं होती, वो लिमिटेड सेंस में बैंक का बिजनेस कर सकती हैं, मतलब वो कुछ हद तक लोन्स दे सकती हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं, पर वो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट ओपन नहीं करते। ठीक है, तो उनको बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज। तो फाइनेंस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या दिखना चाहिए, फाइनेंस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में उनको, तो बैंक के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में उनके लिए सबसे बड़ी इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट उनके लिए सबसे बड़ी इनकम होती है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बैंक नहीं है, जो NBFC नहीं है, जो बैंकिंग बिजनेस नहीं कर रही है, उसके लिए इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम होगी, पर अगर कोई ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल नेचर की कंपनी है उसके लिए इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड की इनकम मेन इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब उसकी मेन कंपनी मेन इनकम होगी। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक
बैंक आपको क्या बैंकिंग बैंकिंग सर्विसेज देता है, उसके अलावा बहुत सारी अदर अदर सर्विसेज भी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह बनाता है, बैंक को कमीशन वगैरह मिलते हैं, तो जो भी दैट इज कमीशन वगैरह इनकम आया, कमीशन इनकम या ब्रोकरेज इनकम, तो वो सारे के सारे बैंक के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का काम करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन्स या फिर डिबेंचर्स, अदर बोरिंग कॉस्ट। सर ये अदर बोरिंग कॉस्ट मतलब अदर बोरिंग कॉस्ट, जैसे आपने सपोज लोन लिया तो प्रोसेसिंग फीस लगा, प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, लोन लिया तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ा, वो सब लगा, तो ये सब अदर में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉर्डेड एज एडजस्टमेंट टू बोरिंग कॉस्ट, इसको सिर्फ ऐसा लिख दो AS 16। सर ये क्या लिखवाया आपने AS 16? सर AS 16 क्या लिखवाया सर? सर 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 क्या लिखवाया बेटा? AS 16 इसलिए लिखवाया क्योंकि AS 16 का नाम है बोरिंग कॉस्ट, और हम यहां पर फाइनेंस कॉस्ट मतलब बोरो करने की कॉस्ट के बारे में लिख रहे हैं, जिसमें एक पॉइंट कवर होता है AS 16 में, तब आपको समझ में आएगा। अभी सर मैं आपको लिखवा रहा हूं कि AS 16 के अकॉर्डिंग ये होता है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने आपको AS 16 नहीं पढ़ाया है। इतना समझ लो कि AS 16 के अकॉर्डिंग जब हम फॉरेन करेंसी लोन लेते हैं बाहर से, मतलब फॉरेन करेंसी में अगर लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो हमें नुकसान होता है उसको भी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट, मतलब उसको फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। अदर इनकम में क्या आएगा? अदर इनकम शैल बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट इनकम। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट इनकम अदर में लिखेंगे कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, क्योंकि सर आपने यहां लिखा है। मैंने बोला भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर बैंकिंग बिजनेस है, फाइनेंस कंपनीज है, तो उनके लिए इंटरेस्ट जो होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। उसके अलावा अगर कोई नॉर्मल बिजनेस है अदर देन बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज, तो इंटरेस्ट हमारे लिए अदर इनकम होगी। डिविडेंड मिला, गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या असेट्स, अगर आपने असेट बेचा तो उसका गेन और लॉस हुआ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑफ एक्सपेंस, ये सब आपके अदर में आएंगे। यहां तक कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बोलो। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बोलो। आगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन? अ कंपनी शैल डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब सर पढ़ते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें सैलरी वेजेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, शेयर बेस पेमेंट, स्टाफ वेलफेयर। मैं बता रहा हूं क्या करना है। आपने याद है यहां पर एक्सपेंसेस दिखाए थे, इस एक्सपेंसेस में आपने ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखाया था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जब आपने कुछ नोट बनाया होगा, मान लीजिए नोट नंबर 14, तो आपको बोला गया है कि जब आप नोट नंबर 14 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कर रहे हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कर रहे हो नोट नंबर 14 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में यहां क्या क्या दिखाओगे? उसमें मिनिमम से मिनिमम क्या क्या दिखाओगे? यहां दिखाओगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में सैलरी वेजेस अलग से दिखाओ, अगर आपने पीएफ में पैसा डाला है या किसी अदर फंड में पैसा डाला है तो वो अलग से दिखाओ, शेयर बेस पेमेंट, इंप्लॉइज शेयर बेस पेमेंट वो अलग से दिखाओ, स्टाफ वेलफेयर अलग से दिखाओ। मतलब मिनिमम से मिनिमम सैलरीज, वेजेस, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड और अदर फंड,
तीसरा तीसरा थर्ड क्या था? ईसॉप एक्सपेंस। सर ये ईसॉप एक्सपेंस क्या होता है? जब कंपनी अपने इंप्लॉइज को शेयर्स इशू करती है ना फ्री में या फिर कंसेशनल प्राइस पे, तो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं। कंपनी अपने इंप्लॉय को इशू कर रही है तो उसको बोलते हैं ईसॉप एक्सपेंस। ये आपके एडवांस अकाउंट्स में चैप्टर है। फोर्थ स्टाफ वेलफेयर। सर ये स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में क्या क्या आता है? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस लाइक आपने अपने स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया, आपने अपने स्टाफ के लिए फूड प्रोवाइड किया, ठीक है ना, आप अपने स्टाफ को डिफरेंट टाइप ऑफ परक्यूसिट्स वगैरह देते हो, तो ये सब स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में आता है। तो जब आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखाओगे तो उसको डिसएग्रीगेट करके मिनिमम ये चार चीजें तो अलग अलग दिखाना। मतलब वो कह रहा है कि सैलरी वेजेस अलग दिखना चाहिए, पीएफ या अदर फंड में अगर कॉन्ट्रीब्यूट किया तो वो अलग दिखना चाहिए, ईसॉप एक्सपेंस है तो वो अलग दिखना चाहिए, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस तो अलग दिखना चाहिए। ठीक है, वैसे ही पढ़ो इसको क्या क्या बोला गया। फिर से पढ़ रहे हैं। कंपनी शैल डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। पहला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। वो कह रहा है आपको डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए भी अलग से नोट दिखाना पड़ेगा। मतलब जो भी उन्होंने ये लिस्ट दी है इन सभी आइटम्स को आपको बाय वे ऑफ नोट्स उनको अलग से आपको दिखाना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन किस किस अमाउंट पे लगा, किस किस आइटम पे लगाया। जैसे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन कौन कौन से आइटम ऑफ असेट पे लगा, अमोर्टाइजेशन किस किस पे लगा, कॉपीराइट पे कितना लगा, ट्रेड ट्रेडमार्क पे कितना लगा, सॉफ्टवेयर पे कितना लगा, नो हाउ पे कितना लगा, ये तो इंटेंजिबल हो गया, फर्नीचर पे कितना लगा, व्हीकल्स पे कितना लगा, ट्रक्स पे कितना लगा, बिल्डिंग पे कितना लगा, वगैरह वगैरह। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा गया है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1%, मुझे कोई बताएगा इसका मतलब क्या है, ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ₹1 लाख विच एवर इज हायर, आप उसको अलग से दिखाओगे। बताइए इसको, इसका कैसे क्या मतलब होगा, उसको क्या करना है? थोड़ा जल्दी देखो क्या करना है इसका, जल्दी देखिए इसका मतलब बताइए। वेरी गुड सोहानी, वेरी गुड। जो भी आइटम की वैल्यू 10,000 नहीं बेटा, 1 लाख या 1% ऑफ रेवेन्यू से ज्यादा है, उसको अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शो करेंगे, उसको अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। ठीक है ना, उसको अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। आई मेरी बात समझ में? सो किसी भी आइटम की वैल्यू, किसी भी एक्सपेंस या किसी भी इनकम की वैल्यू, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है ना, फ्रेट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर उनकी वैल्यू 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ये सब कुछ मिला के, इसका 1% और ₹1 लाख विच एवर इज हायर। मान लीजिए मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फॉर एग्जाम्पल
5 करोड़ रुपीज का, मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 करोड़ रुपीज का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 करोड़ रुपीज का, इसका 1% करिए कितना हुआ 5 लाख, और 1 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 5 लाख। अगर कोई भी आइटम की वैल्यू 5 लाख रुपीज से ज्यादा है तो मैं उस आइटम को सेपरेटली नोट्स में दिखाऊंगा, मैं उसको मिसलेनियस एग्रीगेट करके या मिसलेनियस इनकम करके या अदर एक्सपेंस करके नहीं दिखाऊंगा। अगर वो अदर में भी हेड में आता है, अगर वो इस हेड में भी आता है, अदर वाले में हेड में, इस वाले हेड में भी आता है, तो उसका यहां पर नोट नंबर आएगा 16 मान लो, और 16 नंबर नोट में वो अलग से दिखेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि वो 5 लाख से ज्यादा है। आई बात समझ में? ठीक है, सबने लगभग लगभग सही लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इंटरेस्ट इनकम हमेशा अलग से दिखाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग से दिखाएंगे, डिविडेंड इनकम अलग से दिखाएंगे, नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ये सब अलग से दिखाएंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस अगर हुए हैं तो उनके ऊपर अब आपको क्या क्या गेन और लॉस हुआ है वो अलग से दिखाओगे, पेमेंट अगर आपने ऑडिटर को किया है टैक्सेशन रिलेटेड मैटर से, कंपनी लॉ मैटर से, अदर सर्विस मैटर से, तो आपको उसको अलग अलग दिखाना है। फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, ऑडिटर को आपने पेमेंट किया इनकम टैक्स ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर को आपने पेमेंट किया कंपनी ऑडिट करने के लिए, कंपनी के लॉ मैटर्स के रिगार्डिंग, ये सब पेमेंट अलग अलग दिखाओगे, मतलब पेमेंट टू ऑडिटर्स जब आप दिखाओगे, पेमेंट टू ऑडिटर, ठीक है ना, पेमेंट टू ऑडिटर जब दिखाओगे तो आप अलग से दिखाओगे टैक्स मैटर्स, लॉ मैटर, अदर मैटर्स, आपने कुछ उनको रीइंबर्समेंट किया, रीइंबर्समेंट ऑडिटर ने आपके बिहाफ पर कुछ एक्सपेंसेस किए, जैसे आपने ऑडिटर को अपने गोडाउन भेजा, अपने किसी ब्रांच भेजा दूसरे सिटी में, उसने बेचारे ने अपना ट्रेवलिंग का खर्चा किया, वो ट्रेवलिंग का खर्चा वो आपसे रीइंबर्स करवाएगा, तो अल्टीमेटली आपका ही खर्चा हुआ ना, जो आपने ऑडिटर को पेमेंट किया वो अलग से दिखाओगे ऐसा। सुनीता, ऐसा किस कंसेप्ट के हिसाब से होता है, किस कंसेप्ट के हिसाब से होता है मतलब क्या, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, मैं सही समझा? इन केस ऑफ कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 135 अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, सीएसआर जानते हो क्या होता है, सीएसआर कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 135, वो कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को, सारी कंपनीज को नहीं, उसमें कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है, उसमें कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है, तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को सीएसआर एक्टिविटीज के ऊपर खर्चा करना जरूरी है। सर सीएसआर एक्टिविटी मतलब, अरे सीधी बात है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जनता से पैसा कमा रहे हो, आप पब्लिक से पैसा कमा रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पब्लिक के लिए कुछ करो आउट ऑफ द पॉकेट। जैसे आपने स्कूल्स ओपन किए गरीब बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, आपने वृद्ध आश्रम ओपन किए, ठीक है ना, ओल्ड एज होम्स आपने ओल्ड ओपन किए, तो ऐसे कुछ कार्य काम दिखाओ जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक का फायदा हो, ठीक है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर कुछ आपने खर्चा किया है तो वो आप सेपरेटली अलग से दिखाओगे। सर सी वाला पॉइंट, सी कौन सा, सी वाला कौन सा, एंड पॉइंट किस कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं, किसी कोई कंसेप्ट नहीं बेटा, ये सी वाला पॉइंट है भाई, कोई भी आइटम देखो क्या लिखा है, एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, आपके किसी भी इनकम और एक्सपेंडिचर की वैल्यू अगर इस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर है तो उसको अलग से दिखाइए, नोट्स में अलग से दिखाइए, आप उसको कहीं पर प्लस करके एग्रीगेट करके मत दिखाइए। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट बताई थी, वो टू मच एग्रीगेशन है ना, एक पॉइंट बताई थी मैंने आपको, इतना भी मत एग्रीगेट कर लो कि कुछ मटेरियलिटी छुप जाए, या फिर ऐसा नहीं कि सब कुछ बस डिसएग्रीगेट करके दिखा रहे हैं, इमटेरियल इंफॉर्मेशन भी दिखा रहे हैं, आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, इस पॉइंट में मैंने आपको बताया था। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अगर आपका कोई आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस किसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर है तो उसको आप सेपरेटली दिखाओगे, उससे नीचे है तो आप उसको एग्रीगेट करके दिखा सकते हो, इस कंसेप्ट पर बेसिस है बेसिकली, अगर आप ये चाहते हो कि किस कंसेप्ट, तो इस पॉइंट पर बेसिस है। ठीक है,
ये सीएसआर वाला समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है, डिटेल्स ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, जो भी आपके एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, जैसे बैड डेट्स का एग्जांपल मैंने दिया था, उनकी डिटेल बताइए क्या क्या है एक्सेप्शनल आइटम में, वो सब। ठीक है गाइज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा था आपको, मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर वन हम कर चुके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पे आइए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर टू हमने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से जल्दी पढ़िए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर टू क्या कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन नंबर टू एक बार जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए प्लीज। बेटा सीएसआर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अदर एक्सपेंस के हेड में दिखेगा, अदर एक्सपेंस। अंशिका गुप्ता, सीएसआर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अदर एक्सपेंस के हेड में दिखेगा, अदर एक्सपेंस के हेड में, क्योंकि सीएसआर जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम तो है नहीं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है नहीं, चेंजेस इन इन्वेंट्री भी नहीं हो सकता, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी नहीं होता क्योंकि इंप्लॉयज के लिए जो आपने जो किया वो सीएसआर नहीं हो सकता। उसके बाद आपका फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं होगा, आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है, बचा क्या, अदर एक्सपेंस। तो वो आपके अदर एक्सपेंस में दिखेगा, वो आपके एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में भी नहीं दिखेगा। सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी में दिखा देते हैं, नहीं, आपको ये हर साल करना पड़ता है। सीएसआर आपका नॉन रिकरिंग नहीं होता, रिकरिंग नेचर का खर्चा होता है। हाँ, तो एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, एक तो मैन्युफैक्चर इंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मतलब वो गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचती है। वन ऑफ इट्स डिवीजन डील्स विद द रियल एस्टेट, उसका एक और बिजनेस है रियल एस्टेट का, मतलब एक कंपनी है जिसके दो अलग अलग बिजनेस है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल और दूसरा रियल एस्टेट मतलब कंस्ट्रक्शन। रियल एस्टेट बिजनेस में वो प्रॉपर्टीज को रेंट पे देते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन भी है रियल एस्टेट में, वो प्रॉपर्टीज को रेंट पे देते देते हैं, तो रेंट से उनको एक इनकम आती है, रेंट इनकम आती है। अकाउंटेंट कह रहा है कि जो ये रेंट इनकम आ रही है हम इसको अदर इनकम में दिखाएंगे, हम इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं दिखाएंगे। बताइए अकाउंटेंट सही है कि नहीं? अल्टीमेटली वो है तो अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तो सही बोलता। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बताओ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, इट शुड बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस उसका एक अलग बिजनेस है, ये भी मेन ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी तो है ही सही, पर ये मेन ऑपरेशंस रिलेटेड है। अदर इनकम में वही इनकम जाती है जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो। क्या ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं, ये रेंट जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग इनकम है, और आपका ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू डन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर फोर में आपको करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको करवा चुका हूं, क्वेश्चन सिक्स करवा चुका हूं क्या? देखिए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सिक्स करवा चुका हूं क्या मैं आपको? क्वेश्चन नंबर सिक्स करवा चुका हूं क्या? एक बार मुझे बताइए, अगर नहीं करवाया तो पढ़ लेते हैं। How will a company classify its investment in preference shares which are convertible
इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन वन ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, विल इट क्लासिफाई द इन्वेस्टमेंट एज करंट असेट और नॉन करंट असेट, एक्सप्लेन। अच्छा नहीं किया तो पढ़ लीजिए। मैंने किसी एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, हमारी कंपनी ने किसी रिलायंस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, वो जो प्रेफरेंस शेयर है ना वो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी है। मतलब हमने आज पैसा लगाया प्रेफरेंस शेयर में, हमें प्रेफरेंस शेयर में तो पैसा लगा लिया, वो आगे चल के इक्विटी में बदल जाएंगे, हमें वापस कैश नहीं मिलेगा, वो इक्विटी में बदल जाएंगे। वो बोल रहा है हमें उसको करंट दिखाना चाहिए कि नॉन करंट दिखाना चाहिए। देखो बॉस, करंट तो तभी दिखा सकते हैं जब वो करंट असेट की डेफिनेशन में आए। तो सबसे पहले आपका आंसर, मैं तो बोलूंगा यहां बहुत छोटा पॉइंट लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले अपने आंसर में करंट असेट की डेफिनेशन लिखनी है। करंट असेट की डेफिनेशन में चार पॉइंट्स होते हैं। पहला, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। क्या मुझे लगता है कि मेरा पैसा मुझे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में मिल जाएगा? इट इंटेंड्स टू सेल, इट इंटेंड्स टू कंज्यूम। यहां सेल और कंज्यूम की तो बात ही नहीं चल रही है। दूसरा, इट होल्ड्स प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। हाँ, यहां पॉइंट आता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट था। क्या मैंने ट्रेडिंग पर्पस से होल्ड किया है? अगर हां तो मैं इसको दिखा सकता हूं कि मेरा ये करंट है। तीसरा, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। क्या मुझे लगता है कि मुझे 12 महीने में मेरा पैसा मिल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा? डिपेंड करता है। यहां तो लिखा हुआ है कन्वर्टेबल है इक्विटी में, ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है कन्वर्टेबल है इक्विटी में विद इन वन ईयर। मतलब वन ईयर के अंदर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, इक्विटी में कन्वर्ट होगा। ओहो, इक्विटी में कन्वर्ट होगा मतलब मुझे पैसा नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो तो लग ही नहीं रहा। इसका मतलब यहां पर दो पॉइंट्स आते हैं। आंसर पे मत जाना, आंसर से ज्यादा बेहतर चीज मैं अभी आपको एक बता रहा हूं जो कि इस आंसर में नहीं लिखी हुई। यहां पर दो पॉइंट आते हैं। पहला, इट होल्ड्स प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, और दूसरा, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स। अगर हम बात करें इट होल्ड्स प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, और यहां पर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि उसने ट्रेडिंग पर्पस के लिए होल्ड किया है कि नहीं, तो यहां हम लिख सकते हैं कि इफ द एंटिटी होल्ड्स दिस इन्वेस्टमेंट ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, इसका मतलब एंटिटी का इंटेंशन है कि आगे चल के वो कन्वर्ट हो या ना हो, हमें तो उसको विद इन 3-4 मंथ्स बेच देना है। अगर उसको होल्ड ट्रेडिंग पर्पस के लिए है तो वो डेफिनेटली उसको करंट असेट में दिखाएगी। पर अगर उसका ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है तो हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे, थर्ड पॉइंट पे आएंगे। थर्ड पॉइंट क्या थी? इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। क्या मुझे लगता है कि मुझे 12 महीने के अंदर अंदर मुझे रियलाइज हो जाएगा पैसा? बिल्कुल नहीं, 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज नहीं होगा। 12 महीने के अंदर अंदर ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2, अगर ये ट्रेडिंग पर्पस है तो करंट असेट, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3 ये बिल्कुल ही बिल्कुल नॉन करंट असेट है। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो यहां मैं बोलूंगा इफ होल्ड्स प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, हम लिखेंगे ऑल्दो नॉट मेंशनड स्पेसिफिकली, ऑल्दो नॉट मेंशनड स्पेसिफिकली, तो देन करंट असेट। If not hold primarily for trading, then check whether expected to realize within 12 months. Here, within 12 months, it is convertible into equity. Not in cash. Hence, non-current. Cash थोड़ी मिल रहा है मुझे within 1 year. विदिन वन ईयर तो इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है, और मेरा होल्ड करने का, मेरा ट्रेडिंग करने का इंटेंशन नहीं है। मतलब मेरा होल्ड करने का इंटेंशन है, तो डिपेंड करता है कि मेरा इंटेंशन क्या है। होल्ड करने, मेरा ट्रेडिंग करने का इंटेंशन है तो मेरा करंट, अगर मेरा ट्रेडिंग करने का इंटेंशन नहीं है फिर मैं देखूं कि ये कन्वर्ट कितने टाइम में हो रहा है। कन्वर्ट वन ईयर में ये इक्विटी में हो रहा है, मतलब मुझे पैसा तो नहीं मिलेगा कुछ भी कर लो, तो ये नॉन करंट। आई बात समझ में?
नोट कर लिया बेटा, क्लियर? यहां क्या लिखा है, एन इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट इज क्लासिफाइड एज करंट, सच रिलेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट रादर देन थ्रू कन्वर्जन, हेंस द कंपनी मस्ट क्लासिफाई द इन्वेस्टमेंट एज नॉन करंट अनलेस इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल द प्रेफरेंशियल ऑफ द इक्विटी ऑन द कन्वर्जन एंड रियलाइज कैश। वो साफ साफ बोल रहा है आप इसको नॉन करंट बनाओगे अनलेस, अगर आपका अंदाजा है कि आप इसको सेल करना चाहते हो विद इन 12 मंथ, जो कि मैंने आपको बता दिया, तो आंसर ये भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, बताओ बेटा कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज एक छोटा सा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा शेड्यूल 3 खत्म। आज मेरा टारगेट था शेड्यूल 3 खत्म करना है, खत्म करना है। जवाब दो, जवाब दो मुझे, जवाब दो बच्चों के, जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है विच इज दिस, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको याद है हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाती है पर साथ साथ उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि उसने अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि होल्डिंग कंपनी अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मर्ज करके नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। तो यहां क्या ध्यान रखना है, यहां यह कहता है कि जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो जो भी आप ऊपर पढ़ के आए हो वो तो सब आपको फॉलो करना ही है, वो तो सब फॉलो करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पी एंड एल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर, पी एंड एल के डिस्क्लोजर, राउंडिंग ऑफ के डिस्क्लोजर्स, सबके सब फॉलो करने। एडिशनली आपको कुछ चीजें और बतानी है, आपको एडिशनली कुछ चीजों पर और ध्यान देना है। सर क्या? पहला पॉइंट, when a company is required to prepare consolidated financial statement that is consolidated balance sheet, consolidated statement of profit and loss, company shall mutatis mutandis follow the requirement of this schedule as applicable to the company in preparation of balance sheet and P&L. मतलब कंपनी को बिना सोचे समझे वही रिक्वायरमेंट जो ऊपर आपको पढ़ाई गई है वो फॉलो एज इट इज करनी है। mutatis mutandis मतलब आपको वही सेम टू सेम आपको बैलेंस शीट P&L की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए। ठीक है, दूसरा, इन एडिशन उसके अलावा और क्या करना है, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेमली, आपको इसके अलावा और क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड टू अदर ओनर्स, टू ओनर्स ऑफ द पेरेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी प्रेजेंटेड एज अलोकेशन फॉर द पीरियड। सर ये क्या है, सर ये क्या चीज है, सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड ओनर ऑफ पेरेंट, सर ये क्या है? एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है और कौन सा वाला, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है जिसमें जब हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो उसमें होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी दोनों का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, जब हम लिखेंगे अदर इनकम्स तो उसमें होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का आएगा, उसमें जब एक्सपेंसेस लिखेंगे तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का आएगा।
तो जब यहां पर हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ये जो हमें प्रॉफिट होगा तो ये ऑब्वियसली दोनों का होगा, इसमें होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की है, पर अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है अभी तक मैंने जितना बोला है? जब आप कंसोलिडेट पीएनएल बनाओगे तो आपका होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी दोनों का रेवेन्यू दिखेगा, अदर इनकम दोनों का दिखेगा, सारे एक्सपेंसेस, सारे आइटम्स ऑफ इनकम्स और एक्सपेंस दोनों के मिला के दिखाएंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा वो पूरे ग्रुप का दिखेगा। अंडरस्टूड और नॉट? यहां तक बात समझ में आई? अब है क्या, मान लीजिए एक एच लिमिटेड है और एक एस लिमिटेड है। एस लिमिटेड के 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, एच लिमिटेड ने 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के 90% शेयर्स परचेज किए हैं, 90% शेयर्स परचेज किए हैं, 90% शेयर्स परचेज किए हैं। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 1 लाख में से 90,000 शेयर्स परचेज किए हैं, तो एच लिमिटेड के पास कितने शेयर्स हो गए? 90,000, 90%। तो एच लिमिटेड इस एस लिमिटेड का क्या हो गया? ओनर। आई बात समझ में? तो जो इसके रिमेनिंग, 10% शेयर्स हैं वो किसके पास है? वो अदर पब्लिक के पास है, अदर पब्लिक के पास है 10%। 10% जो है वो अदर पब्लिक के पास है। क्या अदर पब्लिक के पास कोई कंट्रोल है? नहीं। कंट्रोल किसके पास है? एच के पास। अदर पब्लिक को कहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या कहेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इंड एएस की भाषा में जब आप सीए फाइनल में आओगे उसको कहा जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट पर लेने देते हैं। अब हुआ क्या, मान लीजिए एच का नेट प्रॉफिट 100 रुपए और एस का नेट प्रॉफिट मान लीजिए 80 रुपए, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना होगा? 180 रुपए। तो ये जो प्रॉफिट है यहां कितना दिख रहा होगा? 180 रुपए दिख रहा होगा ना? आपको इसको 180 रुपए के प्रॉफिट को दो हिस्सों में दिखाना है। आपको बताना है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल मतलब कितना बनता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए, और बाकी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स। तो हम बोलेंगे कि भाई जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उनका शेयरिंग कितना है? उनका शेयरिंग है 10%, वो भी सब्सिडरी में। तो हम बोलेंगे कि भाई सब्सिडरी का प्रॉफिट 80 रुपए, उसमें उनका 10% का प्रॉफिट उनका है 8 रुपए। तो हम बोलेंगे इस 180 में से 8 रुपए का प्रॉफिट माइनॉरिटी का है, बाकी 172 का प्रॉफिट हमारा है। सर ये 172 कैसे आया? एक तो 100 रुपए हमारा ही था और इसके अलावा 80 में से 8 रुपए गए तो 72 हमारा हो गया, तो कुल मिला के 172 हमारा है। तो आपको इस तरीके से शो करना है जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे कि टोटल प्रॉफिट में माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है और बाकी ओनर्स का हिस्सा कितना है। कुछ समझ आया? बताइए मुझे, कुछ समझ में आया? बताओ 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 बताओ, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वन एट्टी का 10% नहीं लेंगे? एक बात बताओ, जो शेयर होल्डर्स हैं ये 10%, ये किसके शेयर होल्डर्स हैं? ये एस के हैं ना? क्या ये एच के शेयर होल्डर्स हैं क्या? जब अगर ये 10% एस के हैं तो इनका हक, इनका राइट किसके प्रॉफिट में होगा? ऑब्वियसली सब्सिडरी कंपनी के ही प्रॉफिट में होगा। एच बोलेगा मैं क्यों दूं, तू मेरा शेयर होल्डर है क्या बे? नहीं ना, तो तेरा राइट तो एस में है और वो कितना है? 8 रुपए। आई बात समझ में? क्लियर बेटा? एक और पॉइंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट विद इन इक्विटी शैल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम द इक्विटी फ्रॉम द ओनर ऑफ पेरेंट। सर ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है हम इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? हम इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे?
हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं हम इसको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां है, ये रहा। हम इसको बैलेंस शीट में, जैसे यहां शेयर कैपिटल दिख रहा है ना, रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है, मनी रिसीट और कैश फॉर्मेट दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है, शेयर होल्डर फंड। आपने मान लीजिए ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दी होल्डिंग कंपनी की, उसमें आप माइनॉरिटी कहां दिखाओगे, जैसे आप सेकंड पॉइंट पर दिखा रहे हो ना शेयर एप्लीकेशन मनी, एक और पॉइंट दिखाओगे यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से। मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर दिखेगा और आपके शेयर होल्डर फंड के नीचे दिखेगा, याद रखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर दिखेगा और शेयर होल्डर फंड के नीचे दिखेगा। सुहानी अग्रवाल, आपको समझ में आया जो थोड़ी देर पहले आपने डाउट पूछा था कि सर 180 का 10% नहीं लेंगे क्या? 180 का इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 180 में 100 जो है वो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट है, और जो शेयर होल्डर्स की बात चल रही है माइनॉरिटी, वो सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, वो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं है, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में अपन नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर दिखाएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, हमारे कहीं ना कहीं वो हमारी कंपनी का पार्ट है, वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, बट होल्डिंग कंपनी उनको अलग से दिखाएगी। आई बात समझ में, क्लियर? सो दिस वॉज योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट। एक जो लास्ट में जो टेबल बनाया है, ये टेबल एक्चुअली में आपके लिए कवर नहीं है, ये इंड एएस के अकॉर्डिंग टेबल है, वो गलती से यहां पर आ चुका है। बेसिकली ये इंड एएस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, एएस की रिक्वायरमेंट नहीं, आपके इंटर के सिलेबस में एएस है, इंड एएस नहीं है। तो नीचे वाला जो टेबल है वो काट दीजिए, उसके लिए आपको कोई मतलब नहीं है, वो चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैं एडवांस अकाउंट्स में इसके बारे में मैंने बता चुका हूं, उस टाइम पे मैंने बता दिया था, मैंने ये नहीं बताया था बच्चों को कि ये इंडेस के लिए है कि नहीं, बट बाद में आई रियलाइज कि ये चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा बेचारा बोलेगा यार क्या सर मुझे इसको भी रटना पड़ेगा, तो नो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको बैलेंस शीट में दिखा रहा है, तो आपको ये दो रिक्वायरमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग आपको फॉलो करनी है। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? दिस वॉज शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, गाइस दिस वॉज शेड्यूल 3। हमने इन 10 दिनों में नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं हमने 10 लेक्चर्स में, जो कि छोटे छोटे लेक्चर्स थे एक एक घंटे के, कायदे से अगर मैं 2-2 घंटे का लेक्चर लूं तो ये 5 दिन होते, कायदे से ये 5 दिन में कवर हो सकता था, पर मैंने 10 लेक्चर लिए सिर्फ एक एक घंटे के, ठीक है ना। तो हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स किए, इन लेक्चर्स में हमने शेड्यूल 3 पर बहुत ज्यादा फोकस किया। शेड्यूल 3 पर फोकस करते करते हमने रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट भी देखी, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। इससे पहले हमने कुछ बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, मैंने आपको पढ़ाया था रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के फंडे बताए थे, याद करो, क्लोजिंग स्टॉक का फंडा बताया था, याद करो। तो हमने इतने सारे जो बेसिक्स हमने पढ़े, हमने असेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस की डेफिनेशन पढ़ी, इक्विटी वगैरह, हमने इन सब की डेफिनेशन पढ़ी। सो इन जितनी भी क्लासेस हुई, जितनी भी अभी लेक्चर्स हुए, ये बेसिक्स था हमारा। इस बेसिक्स में आपको क्या क्या सीखने को मिला? माइट भी यहां पर कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर अभी तक तो आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, तो प्लीज डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिलेबस। सिलेबस अब से शुरू होगा, अगली क्लास से। अभी तक आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डेवलपिंग योर बेसिक्स। जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक आपको शेड्यूल 3 की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि असेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, इक्विटी क्या होता है, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। सो इट वॉज अ बेसिक्स। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर, प्रॉपर एक चैप्टर शुरू करूंगा मैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर चैप्टर शुरू करूंगा। उनके नोट्स ऑलरेडी आपके पास गूगल ड्राइव के थ्रू हमने लिंक में देके रखे हैं मेरे, आप लिंक पे जाओगे तो आपको नोट्स दिख जाएंगे, ठीक है। सो गाइज, फाइनली वी हैव डन विथ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। किसी को कोई डाउट? गोहिल अब्दुल, शिवम कुमार, सर कल टाइमिंग 12 बजे, बिल्कुल 12 बजे। चेतन सिंगला, शिवम कुमार, सुहानी अग्रवाल, अंशिका गुप्ता, तहा, सबको क्लियर है कि नहीं? बिंदु, राम, उमंग, अंशिका, सुनीता, ज्ञानेश्वर, क्लियर है कि नहीं? ऋषि सिंह, शेड्यूल 3 कौन से चैप्टर में यूज करना है, मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट रुकिए।
आपका सिलेबस आपको 2 मिनट में दिखाता हूं, उस सिलेबस के आपको अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में आपको शेड्यूल 3 यूज करना है। मैं जा रहा हूं आईसीआई के वेबसाइट पर। सर क्या पीडी के साथ लाइव क्लास भी ले सकते हैं? अदर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आप अदर फैकल्टी से पूछिएगा, मेरे सब्जेक्ट में अकाउंट्स में आप लाइव नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं लाइव से स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स ले रहा हूं, आगे के लेक्चर्स आपको पेन ड्राइव गूगल ड्राइव ऑप्शन पे ही मिलेंगे। ये देखो अकाउंटिंग पेपर नंबर 1, स्टडी मैट फॉर मई 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स मतलब आगे के भी, मई 21 के बाद के भी। यहां आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर में आपको शेड्यूल 3 की जरूरत पड़ेगी। शेड्यूल 3 की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 4 में। देखिए जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें आपको शेड्यूल 3 की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको चैप्टर नंबर 4 में शेड्यूल 3 की जरूरत पड़ने वाली है। फिर शेड्यूल 3 की जरूरत पड़ेगी आपको, जरूरत पड़ सकती है चैप्टर नंबर 5 में, जो कि मैं कल से शुरू करवाऊंगा, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पर यहां ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां वो थोड़ा बहुत आपको स्टेटमेंट दे देगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट को बांटना है प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। यहां ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 में आपको बोनस इशू एंड राइट इशू के केस में आपको जरूरत पड़ेगी शेड्यूल 3 की, क्योंकि बोलेगा कि बोनस इशू करने के बाद कंपनी की रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाइए, फिर आपको जरूरत पड़ेगी बोनस इशू के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट जरूर देगा शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में वो आपको बैलेंस शीट देगा, पर आपको जब वो बोलेगा कि सॉल्व करिए तो 50% क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, 50% क्वेश्चन में वो बैलेंस शीट नहीं पूछता है, तो कहीं कहीं आपको पड़ेगी, दैट्स इट। इसके बाद आपको किसी भी चैप्टर में शेड्यूल 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब शेड्यूल 3 की जरूरत आपको मॉड्यूल 2 में रहेगी, पूरा का पूरा जो आपका मॉड्यूल 2 है वहां आपको शेड्यूल 3 की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज है, वहां तो लगेगी ही लगेगी जरूरत। ठीक है, तो मैंने आपको यह बता दिया। अच्छा सर बुक्स के रिगार्डिंग बता दीजिए, हमें बुक्स कौन कौन सी मिलेंगी या मिल रही हैं? बुक्स के रिगार्डिंग वन सेकेंड, बुक्स का इमेज मैं ढूंढ रहा हूं, अगर इमेज मिल गया तो सबसे बेस्ट है, मैं इमेज के पॉइंट से ही बता दूंगा। ये आप देख पा रहे हो, आप देखिए ये जो फर्स्ट वाली बुक है कंपनी अकाउंट्स, मतलब वो मॉड्यूल 2 आईसीआई के वेबसाइट पे जो मॉड्यूल 2 के जो चैप्टर है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोनस, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, डिबेंचर्स का रिडम्पशन, प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, वो सब मैंने इस बुक में कवर किए कंपनी अकाउंट्स में। और इसके अलावा जो मॉड्यूल 3 के जो चैप्टर्स थे वो मैंने कवर किए हैं आपके अदर बुक में, मतलब अदर एक बुक है जो आपको चार्ट बुक से जस्ट पहले की दिख रही है वहां पर। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर किए मैंने ट्रंप में, इसके अलावा मैंने क्वेश्चन बैंक में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए, ये बहुत जबरदस्त बुक होती है, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आती है, ये सेपरेट भी सेल होती है, अगर आपके किसी फ्रेंड को चाहिए हो तो आप उसको जरूर बताना। और ये तो आपको मास्टरपीस पता ही है, चार्ट बुक अपन मतलब जो एएस है अपन जब पहली बार एएस पढ़ेंगे तो वो ट्रंप से पढ़ेंगे, पर जब हम दूसरी बार अब जब हम रिवाइज करेंगे एग्जाम टाइम में तो चार्ट बुक से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ओवरऑल बुक्स का फंडा है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि अभी भी समय है प्राइस डिस्काउंटेड, जो जो भी हमारी क्लासेस दिख रही हैं, कॉम्बोज दिख रहे हैं, इंडिविजुअल क्लासेस दिख रही हैं, वो डिस्काउंटेड प्राइस पर दिख रहे हैं। कुछ दिनों में डिस्काउंटेड प्राइसेस हट जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं अगर अपनी अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स का जो प्राइस रेंज देखिए क्या है, 10,000 से 11,000 के बीच, बट अभी भी स्टिल इट इज शोन एट एडिशनल ऑफर में जाओगे आप, देखो एडिशनल ऑफर में जाओगे आपको सीधा सीधा 1500 का सिंगल सब्जेक्ट पर डिस्काउंट मिल रहा है, और ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है, स्टिल ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। अगर आप कॉम्बो की बात करेंगे, अगर अपन कॉम्बो की बात करें, ये कॉम्बो, तो कॉम्बो में भी अभी आप देखोगे तो एडिशनल ऑफर ये देख लो 13,425 का एडिशनल ऑफर अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है, आफ्टर रिजल्ट इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बो भी अभी डिस्काउंट पे दिख रहा है, रिजल्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 20 जनवरी के अंदर अंदर आना चाहिए, 20 जनवरी के आसपास आना चाहिए, 18 से 20 जनवरी का टाइम रहता है रिजल्ट का, तब तक हमारे प्राइजेस यही रहेंगे, उसके बाद प्राइजेस बढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। चेतन मुझे आप कॉल कर, मुझे आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना, मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या पुराना मिला है। सर इज द चार्ट बुक अवेलेबल फॉर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो? नो, ये चार्ट बुक मेरे सब्जेक्ट में है, अदर सब्जेक्ट में देखिए बेटा, हर वी स्मार्ट की हर फैकल्टी का अपना अपना तरीका होता है बुक बनाने का। वी स्मार्ट की हर फैकल्टी ने अपनी बुक को अपने हिसाब से डिजाइन किया है, तो उनका कुछ ना कुछ मास्टरपीस होगा। जैसे मेरा मास्टरपीस चार्ट बुक है, तो हर फैकल्टी का अपना अपना कुछ ना कुछ मास्टरपीस जरूर होगा। जैसे विशाल सर की जीएसटी की बात करें, तो उनके भी चार्ट्स आते हैं, पर उनके वॉल चार्ट्स आते हैं। रिजल्ट के दिन डिस्काउंट होगा? बिल्कुल होगा, रिजल्ट के दिन जरूर डिस्काउंट होगा। मैसेज मुझे भेज दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगा, है ना। चेतन अपने नाम से भेजना, चेतन करके नाम नीचे जरूर लिखना, ताकि मैसेज रीड करने से पहले ही नाम दिख जाए कि चेतन करके दिख रहा है कोई। चलो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन पूछनी हो तो आप वी स्मार्ट टीम को कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।